इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 7 दिसंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। साल के आखिरी महीने का 7वां दिन इतिहास में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना के साथ दर्ज है। दरअसल 1941 में 7 दिसंबर को जापान के बम बरसक विमानों ने हवाई में स्थित अमेरिका के नौसैनिक ठिकाने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया था। इस दौरान 6 जंगी जहाज, 112 नौकाएं और 164 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए थे। हमले में 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हताहत हुए थे। देश दुनिया के इतिहास में 7 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। 18वीं शताब्दी के मध्य एक वीर योद्धा हैदर अली का निधन आज ही के दिन 1782 में हुआ था। आज ही के दिन 1825 में भाप से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइज कोलकाता पहुंचा था। 1856 में आज ही के दिन देश में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह कराया गया था। भारतीय क्रांतिकारी जतींद्रनाथ मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन 1879 में हुआ था। आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाज शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान राधा कमल मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। आज ही के दिन 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा बना और उसने ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला किया था। 1936 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जैक फ्लिंगटर लगातार 4 टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 3 शतक दक्षिण अफ्रीका और 1 इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था। आज ही के दिन 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हवाई हमला किया था। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान में राष्ट्रपति याह्या खान ने गठबंधन सरकार बनाने का ऐलान किया था, जिसमें नूरुल अमीन पीएम और जुल्फीकार अली भुट्टो उप प्रधानमंत्री बने थे। आज ही के दिन 1972 में अमेरिका ने चंद्रमा के लिए अपने अभियान के तहत अपोलो 17 का प्रक्षेपण किया था। 1975 में आज ही के दिन ईस्ट तिमोर के आजादी का ऐलान करने के तत्काल बाद इंडोनेशिया की सेना ने हमला कर उसे अपने कब्जे में लिया था। आज ही के दिन 1988 में उत्तर पश्चिम अर्मेनिया में भीषण भूकंप के कारण कई शहर तबाह हो गए थे। 1992 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर पहली बार वनडे मैच खेला गया था। आज ही के दिन 1995 में भारत ने संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया था। 1995 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा का अंतरिक्ष यान गैलीलियो बृहस्पति पर पहुंचा था। आज ही के दिन 2001 में तालिबान ने कई हफ्ते की अमेरिकी बमबारी के बाद अपना धार्मिक गढ़ कंधार छोड़ने का फैसला किया था। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद का निधन आज ही के दिन 2003 में हुआ था। आज ही के दिन 2004 में हामिद करजई ने अफगानिस्तान के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 2008 में आज ही के दिन भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने जापान टूर का खिताब जीता था। भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, राजनीतिक, व्यंगकार, नाटककार, फिल्म निर्देशक और अधिवक्ता चो राम स्वामी का निधन आज ही के दिन 2016 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।